दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। पूरा देश एक ऐसी स्थिति में आगे खड़ा हुआ है। मैं बहुत एग्रेसिव हूं, बहुत गुस्सा आती है जब लोगों को देखता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज अपने घर पे आप बैठिए, आप कहीं मत बाहर जाइए। पूरे देश की रेल सेवाएं बंद कर दी गई, हवाई अड्डे बंद कर दिए गए, सारे ट्रांसपोर्टेशन को खत्म कर दिया। इसके बावजूद हम आज भी वही गलती कर रहे हैं, बहुत हल्के में लिए हैं। हम सीख सकते हैं दूसरे देश से। आप चाइना को देखिए, सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक ने पूरे चाइना की अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब कर दिया। चाइना देश आज दिक्कत की स्थिति में। आप देखिए इटली को देखिए, सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक, क्या होगा एक व्यक्ति के चले जाने से, क्या होगा एक से दो, दो से चार, चार से छह, 16, 32, 64, 28, ये बढ़ता गया भाई साहब। पूरा हिंदुस्तान के अंदर यही स्थिति आ गई। किसी ने नहीं सोचा था ये छोटा सा ऐसा वायरस पूरे देश के अंदर हड़कंप मचा के रख देगा। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद पूरी समाज, पूरी सोसाइटी, पूरा हमारा देश लगा हुआ है कि रिक्वेस्ट करने में कि प्लीज। कल नरेंद्र मोदी साहब ने रिक्वेस्ट किया कि अपने घर पे रहिए, कहीं मत जाइए, बाहर मत निकलिए, हो सके तो दुकानों में मत जाइए, हो सके तो लोगों से मत मिलिए। इतनी छोटी सी बात हम मानने को तैयार नहीं है। हद तो तब हो जाती है जब मैं लोगों को देखता हूं, लोग ये देखने के लिए निकलते हैं कि रोड में कितने लोग बाहर हैं। शर्म आती है। आप पढ़े लिखे हैं, आप नौजवान हैं, आप समझदार हैं, आपको पता है ये बात कि ये वायरस कैसे मल्टीप्लाई होता है, एक से दो, दो से चार, छूने मात्र से नहीं। आपने किसी एक गेट को टच किया, उस गेट में दूसरे ने टच किया, उसके वायरस पहुंच गया, उसने जिसको टच किया वायरस पहुंच गया। इसके बावजूद मैं देखता हूं एक शहर से दूसरे शहर में लोग आवागमन कर रहे हैं। हद हो गई, बात समझ में नहीं आती। मेरा रिक्वेस्ट है और मेरा गुस्सा होना भी जायज है आपसे। पिछले 3 दिन से मैं घर पे बैठा हूं और मैं आपको बता दूं, मैं घर पे बैठा हूं मुद्दा नहीं है, मैंने अपनी सारी मीटिंग्स, सारे प्रोग्राम्स, सारी ट्रेनिंग्स कैंसिल कर दी। एक देश का एक नागरिक होने के नाते मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे देश को अभी जरूरत है आपके सिर्फ एक सहयोग की। बात डरने की नहीं है, बात घबराने की नहीं है, बात सामना करने की है। फेस करिए, छोटा सा काम है, सैनिटाइजर यूज करिए, मास्क पहनिए। और मैं कहता हूं मास्क क्यों पहने, हम जब बाहर निकलना ही नहीं है तो मास्क पहनने की क्या जरूरत है। सिर्फ सैनिटाइजर को आप यूज करिए, किसी से भी मिले सैनिटाइजर यूज करिए, मैक्स टू मैक्स टाइम पे हाथ धोइए और बाहर मत निकलिए। ये सिर्फ समस्या 24 से 36 घंटे की है, घबराने की बात नहीं दोस्त। अगर इस हालात को हमने नहीं संभाला, आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये स्थिति कितनी खतरनाक होने वाली है। ये सिर्फ 24 से 36 घंटे आपकी नहीं, पूरे समाज की नहीं, पूरे देश की जिंदगी बदल सकते हैं अगर आप और हम समझदार ना हुए तो। रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, हाथ जोड़ के, कान पकड़ के, आंख बंद करके रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी बात मानिए, देश के प्रधानमंत्री जी की बात मानिए। आज से ही घर से निकलना बंद कर दीजिए, 24 घंटे हो सके तो नहीं बिल्कुल घर पे रहिए। अपनी बीवी को टाइम दीजिए, अपने बच्चों को टाइम दीजिए, अपने माँ को टाइम दीजिए, अपने पिताजी को टाइम दीजिए, कहीं मत जाइए, किसी दोस्त से मत मिलिए, हो सके तो अपना गेट को लॉक करके रहिए। क्योंकि आपका एक डिसीजन आपकी लाइफ को बचा सकता है, आपका एक डिसीजन आपके राज्य को बचा सकता है और आपका एक डिसीजन आपके देश को नहीं पूरे ब्रह्मांड को बचा सकता है। क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल देश जो है वो आज भारत है और वो अगर स्थिति खराब हुई तो पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।